So what's up guys, welcome back to Tech Twister, or what time is up guys, and this is unboxing time, and this is the HP Da3001tu. ये इसका मॉडल नंबर है और आज हम करने जा रहे हैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी, मतलब वो खोलने वाला अनबॉक्सिंग नहीं, इसके अंदर वाला अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसमें कौन सा SSD लगेगा, M.2 साटा या फिर NVMe। मुझे वही जानना है, इसलिए मैं इसको आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसको खोलने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसकी इस लैपटॉप के बारे में आप सबको रिव्यू भी दूंगा। तो गाइस चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को करते हैं शट डाउन। ओपन करने से पहले तो शट डाउन तो बनता है बस, और ये देखो गाइस हो रहा है शट डाउन। हाँ, हो चुका है बिल्कुल यह शट डाउन। तो गाइस अनबॉक्सिंग करने से पहले हम लोगों को चाहिएगा एक टूल किट और एक प्लास्टिक का ब्लेड नहीं बोलूँगा मैं इसको, एक सिम्प्रे बोलूँगा। ये लैपटॉप खोलने के लिए बस एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। इसका काम आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है ना। अगर ये नहीं है तो आपके पास और भी प्लास्टिक का कोई सामान होगा, जैसे कि प्लास्टिक का वाटर बॉटल, वो भी कट करके इसको ओपन करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो गाइस मेरे पास ये है जियो का, वो सिम मैंने लिया था ना, इसलिए ये और इसको मैंने शार्प किया था थोड़ा शार्पनिंग के लिए। तो कार्यक्रम शुरू कर दे। तो सबसे पहले हमको इसको बैक पे लेकर आना है, और आप इस पे देख भी सकते होंगे कि ये रहा हमारा मॉडल नंबर SP15DA301TU, ओरिजिनल विंडोज का स्टिकर, मेड इन चाइना। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। इसको ये ऐसे करे, और ये देखो ये रिमूव हो चुका है। ऐसा ही इसका हालत। इसको खोलने में तो इतना टाइम लग रहा है यार, ये कैसे खोल लूँ अब, बार बार हो गया गाइस। ओ नो, ये फिर से अंदर चल गया। चुका था ये, खुल चुका है। हाँ, आई डोंट नो बट सिट हो गया सत्यानाश इसका। ओ आई थिंक इसको बाद में हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हम इसको बाद में। ओ प्लास्टिक होता है, पर ये टूट गया, बहुत अफसोस की बात है, ये टूट गया। तो गाइस इधर 3 स्क्रू और है, 1, 2, 3, और इधर भी 4 स्क्रू है इधर ऊपर, तो इसको भी खोलते हैं हम। तो गाइस हमारा काम अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, शुरू ही हुआ, खत्म तो नहीं हुआ। चलिए शुरू करते, इसको ऊपर की तरफ मोड़ लेना है आपको, और इसको ऐसे करके, ये वाला था ना, आप इसका काम आएगा, इसका ये एज से इधर से मारना पड़ेगा ओपनिंग के लिए यार। ओ नो, बहुत ही हार्ड है, घुस भी नहीं रहे यार। इस फाइनली एक फंस गया, इधर से ये फंस गया है, और इसको हम ऐसे ही करके ओपन करना पड़ेगा, वरना ओपन ही नहीं होगा ना ये। अगर मैं इसको फिर से बंद, ये अगर मैंने इसको मेटल से किया होता ये टूट भी जाता ना, तो बहुत नुकसान हो जाता, इसीलिए गाइस ओपन हो रहा है। अगर मैंने इसको किसी मेटल से किया होता तो स्क्रैच पड़ जाता, तो बहुत गड़बड़ी हो जाती।
guys, it's opening. Open over. So guys, आपको ऐसे ही open कर लेना है इधर edge से इसको गाड़ लेना है इसको बहुत ही sharp कर लेना है आपको वो metal वाला इस्तेमाल नहीं करना है आपको क्योंकि उससे क्या होता है दाग बैठ जाता है ना इसीलिए तो guys open हो रहा है हमारा laptop गाइस हम इसको कर दे क्लोज धीरे 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 गाइस धीरे ओ नो 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 ओह शिट तो गाइस फाइनली आफ्टर मेनी स्ट्रगल ये ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज मौजूद है। Oh no! Wow! मजेदार चीज है। ये वाला लैपटॉप है। और इसमें लिखा है बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है, guys। और ये हाँ ट्रिक से है, guys। बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है मुझको। और तो guys आप जिस तो आपको ये मॉडल नंबर आपको पता चल गया है कि ये Da3001tu है और ये देखिए इसका एक रैम है और दूसरा स्लॉट फ्री है तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें रैम भी हम अपग्रेड कर सकते हैं तो गाइस इसमें ज़्यादा है ये है इसका SSD कंपार्टमेंट और इसमें आप जैसे कि देख सकते होंगे ये रहा एक कॉर्ड और एक कॉर्ड का मतलब है इसमें जाएगा NVMe SSD सो थैंकफुल मुझको भी SSD लगाना था और ये SSD के लिए स्क्रू ड्राइवर रिमूव करने का स्लॉट भी है तो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द रिव्यू अबाउट दिस HP DA3001TU तो मैं आप सबसे यही बताना चाहूँगा कि ये HP लैपटॉप जो है विंडोज 10 प्री इंस्टॉल आता है और विंडोज 10 को ऑपरेट करने के लिए इसको बहुत ही फास्ट स्टोरेज की ज़रूरत होती है इसीलिए इसमें जो टोशिबा का हार्ड डिस्क लगाए 1 TB वाला वो इतना फास्ट नहीं है कि इसको एकदम फास्ट से प्रोसेस करे तो इसीलिए इस ये बहुत ही स्लो है और ये मिनिमम भी ऑन होने के लिए मिनिमम 1 मिनट लेता है और शट डाउन होने में मिनिमम 40 सेकेंड तो गाइस इस लैपटॉप को अगर आप SSD से अपग्रेड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा तो गाइस इसमें आप रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है और इसमें NVMe का स्लॉट दिख जाता है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा और पैसा खर्च करके एक NVMe SSD खरीदना पड़ेगा और ये साटा M.2 SSD नहीं जाएगा जो कि 2 कट वाला होता है वो नहीं जाएगा सिर्फ 1 कट वाला जाता है और इसमें गाइस Windows i3 का लेटेस्ट तो नहीं बोलूँगा अब 11 भी आ चुका है i3 का 10th generation प्रोसेसर आता है जो कि है बहुत ही पावरफुल और मैं इसी लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए शेयर और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो आने वाला है बहुत सारा तो अनबॉक्सिंग के रिलेटेड टेक के रिलेटेड सो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलता हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए पीस Bye-bye.